सब्सक्राइब कीजिए गृह सुनाली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सुनाली। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलोवेरा जेल हेयर मास्क। एलोवेरा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसमें ढेर सारे पोषण होते हैं, साथ ही इसमें ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो आपके बालों को चमकदार, सुंदर और मजबूत बना सकते हैं। एलोवेरा जेल में 20 टाइप्स ऑफ मिनरल, 12 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, 18 अमीनो एसिड और 200 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और इसीलिए बालों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, एलोवेरा जेल के यह मास्क आपकी इन समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर देंगे। बालों में एलोवेरा जेल लगाने से उनमें नमी आती है। इसमें मौजूद नेचुरल एंजाइम्स डेड सेल्स, फंगस और डैंड्रफ को दूर करते हैं। एलोवेरा को लगाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा पौधे की एक पत्ती में से उसका पूरा जेल निकाल लीजिए और इस एलोवेरा जेल को डायरेक्ट अपने स्कैल्प में लगा लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपने बालों में लगा कर रखें, और कुछ समय के बाद अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। यह एलोवेरा जेल आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल सभी तरह के बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एलोवेरा जेल की मदद से सूखे, डल और अनमैनेजेबल बालों में भी जान डाल देता है। यह बालों को मजबूती देता है, बालों का बढ़ना शुरू करता है, साथ ही बालों को हेल्दी और शाइनी भी बनाता है। तो आइए जानते हैं एलोवेरा जेल के कुछ बेहतरीन हेयर मास्क, जिससे बालों को पोषण ही नहीं मिलता, साथ ही साथ ये बालों को लंबा व घना भी बनाता है। सबसे पहले आता है बालों को लंबा करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल। बालों को लंबा करने में एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके लिए आपको करीब आधा कप एलोवेरा जेल चाहिए। साथ में इसमें मिक्स कीजिए 2 चम्मच दाना मेथी पाउडर। दाना मेथी को आप मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लें। 1 चम्मच तुलसी पाउडर और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। इन चारों चीज़ों को एक साफ कांच के बाउल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को रात में अपने बालों में लगा लें और बालों को शावर कैप से कवर कर लें, और अगले दिन सुबह उठकर अपने बालों को शैम्पू से धो लें। वीक में कम से कम एक बार इस रेमेडी को आप अपना सकते हैं। इससे आपके बाल मजबूत और घने बनेंगे। सेकेंड हेयर मास्क है डैंड्रफ और गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए। इसके लिए 3 से 4 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल में 2 चम्मच नींबू का जूस मिक्स करके इसे अपने स्कैल्प में लगा लें और 2 घंटे के बाद अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। यह उपाय आपके बालों से डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। इसके अलावा यदि आपके बाल रूखे, सूखे और बेजान हैं, तो 5 से 6 चम्मच एलोवेरा जेल में 4 से 5 चम्मच कोकोनट ऑयल डालकर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने स्कैल्प में और पूरे बालों में लगा लीजिए और 1 घंटे तक इसे लगा रहने दें, और 1 घंटे के बाद अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। वीक में 1 से 2 बार इस रेमेडी को अपना सकते हैं। इससे आपके बाल सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी नजर आने लगेंगे। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण आपके सिर की खुजली को भी बहुत ही आसानी से आप कम कर सकते हैं। और इन हेयर मास्क को बनाने के लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल या फिर पतंजलि एलोवेरा जेल, दोनों में से किसी भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बराबर फायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आने पर थम्स अप के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और गृह सुनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।